सुबह सुबह का टाइम है और आप सभी को पता है कि आज कहें तो आज एक्चुअली में लास्ट डेट है, लास्ट डे है आपकी एसबीआई क्लरिकल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। और दोस्तों आज मैं आपके सामने ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगा कि आपको एक दिन में बहुत कुछ लपेटना है, कहना थोड़ा सा गलत होगा, लेकिन मैं आप सभी के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। हम सबको पता है कि सूर्य कुमार यादव इंडिया के जो लीडिंग स्टार हैं, जब उनसे ये बात पूछा गया था कि आप मैच से पहले क्या करते हैं, तो उन्होंने यही कहा था कि मैं मैच से पहले रेस्ट लेता हूँ, 1 घंटे का मैं नैप लेता हूँ और माइंड फ्रेश करके मैं जो है मैदान पे उतर जाता हूँ, मेरी परफॉर्मेंस जो है वो ऑटोमेटिक वो ट्रिगर कर जाती है। सेम चीज़ हमारे साथ भी है दोस्तों। इतने लेजेंड जो हैं अगर ये बात कह रहे हैं तो इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है, और उस चीज़ को मैं भी खुद महसूस कर चुका हूँ। एग्ज़ाम से पहले आपको इतनी काम स्टेट में रहना चाहिए, इतनी कंफर्ट आपको महसूस होना चाहिए, जैसे कि ऐसा भी नहीं कि आप पूरा रेस्ट कर रहे हैं, आप आउट ऑफ टच चल रहे हैं, वो थोड़ा सा गलत भी हो जाएगा। थोड़ा सा अपने आप को वार्म अप करने के लिए आप सेक्शनल दे सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट को दे सकते हैं, लेकिन कुछ भी आप करिए, दी ओनली थिंग दैट शुड बी डन नाउ एज ऑफ नाउ कि आज ही एक दिन बचा है, कल पूरा आपको रेस्ट लेना पड़ेगा। चीज़ें मुश्किल आते हैं जो हैं थोड़ी थोड़ी है लोगों का, कि किसी का दिक्कत ये आ रहा है कि सर इंग्लिश नहीं हो रहा है, किसी का रीजनिंग नहीं हो रहा है, किसी का मैथ्स नहीं हो रहा है। आप अपने कमजोरियों को याद करने का दिन आज नहीं है, आज आपको अपने स्ट्रेंथ को याद करने का दिन है। कई ऐसे मॉक टेस्ट रहे होंगे जहाँ पे इतनी टफ सिचुएशन के बाद भी आपने 90% सिक्योर किया होगा। कई ऐसे मॉक टेस्ट भी रहे होंगे जहाँ पे जो कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है, बजाय उसके आपने कहीं ना कहीं 70 स्कोर किया होगा। तो उन सारे चीज़ों को समेटने की बारी है आज। आज प्रैक्टिस कम, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और कल पूरा विराम आपको करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत वार्म अप करने के लिए आप सेक्शनल लगा सकते हैं, सेक्शनल में भी ऐसा कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन लगा दिया थोड़ा बहुत वार्म अप करने के लिए। और जिनका सेंटर काफ़ी दूर है, समय पे पहुंच जाइए, और क्योंकि आप लास्ट टाइम में अगर हड़बड़ी करेंगे तो फिर माइंड जो है वो काम स्टेट में रह नहीं पाएगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। और कल एक खबर आया था, लोग ये कह रहे थे कि सर एसबीआई क्लर्क 12 तारीख का जो एग्ज़ामिनेशन है कुछ लोगों का वो टल गया है। अब इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि 12 तारीख को अगर आप गूगल भी करोगे ना, जो हिमाचल प्रदेश हैं उनको पता होगा 12 तारीख को हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन है, और उस डेट पे एग्ज़ामिनेशन नहीं होना ये समझ में आता है। लेकिन कुछ लोग और भी बोल रहे थे कि सर हमारा इंटरव्यू है, कुछ और बोल रहे थे इंटरव्यू है, और कुछ और बोल रहे थे कि सर 26 को, सॉरी इंटरव्यू नहीं, कुछ और बोल रहे थे कि 26 को उनका मेंस एग्जामिनेशन है और 25 को उनका शायद ये एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स है, सेंटर दूर दूर है, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है ना, उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। वो अगर आप समय पर पहुँच सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पहुँच पाते तो यू आपको चॉइस करना पड़ेगा, है ना। आपकी अगर प्रिपरेशन सही है मेंस में तो आप दीजिए, अगर नहीं है सही तो फिर आप जो है आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन बस इतना कहूँगा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज एक ऐसा दिन है जहाँ पे आपको अपनी वीकनेसेस पे ज़्यादा याद नहीं करना है, अपने स्ट्रेंथ को ज़्यादा याद करना है, और मेहनत करते जाइए, सफल तो आप होंगे ही, मुझे विश्वास है। और जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हैं।